भागलपुर जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच दवा दुकानदारों के द्वारा दवा के कालाबाजारी किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश के बाद ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा पटल बाबू रोड स्थित महावीर मेडिकल हॉल में छापेमारी किया गया। औषधि निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में चलाए गए छापेमारी अभियान के दौरान दुकानदारों से ग्राहकों को कच्चा चिट्ठा पर दवा दिए जाने वाला पैड और एक ऑक्सीमीटर बरामद किया गया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि उसके विभाग को यह गुप्त सूचना मिली कि दवा दुकानदार के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव को लेकर दिया जाने वाला दवा कीमत से अधिक मूल्य पर दिया जा रहा है। साथ ही साथ संक्रमण से बचाव को लेकर उपयोग में आने वाले ग्लव्स, ऑक्सीमीटर सहित अन्य सामग्रियों का भी दाम दुकानदार के द्वारा अधिक लिया जा रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक ने यह भी कहा कि जिले के सभी दुकानदार अब इन सभी सामानों का मूल्य तालिका दुकान के बाहर चिपकाए, ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट संतोष राज, भागलपुर। कार्रवाई हुआ कि इनके द्वारा ग्लव्स का बिल नहीं दिया गया और ऑक्सीमीटर का भी बिल नहीं दिया, जिसे सब सीज कर लिया गया और बाकी सहायक औषधि नियंत्रक के द्वारा कार्रवाई किया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी? लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा, दोनों में से कुछ। ऑक्सीमीटर की बात आ रही है, अधिकतर ग्राहकों को यहाँ से घुमाया गया, क्या ऑक्सीमीटर बरामद हुई है? एक ऑक्सीमीटर बरामद हुई है। क्या कार्रवाई होगी सर? कुछ भी हो सकता है, वो सहायक औषधि नियंत्रक करेंगे, क्या कैंसिल भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, कैंसिल भी होगा सर? जैसे सील नहीं, कैंसिल हो जाएगा तो सीले हो जाएगा। अच्छा, जैसे सर और भी दुकान में भी दादा दिया जा रहा है, तो आपके द्वारा किस तरह की कार्रवाई और क्या अपील की जा रही है लोगों? उन लोगों के द्वारा भी पर भी कार्रवाई किया जाएगा और उन लोगों को बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं करें आप। सर जैसे कि डिस्प्ले करे जो जो अभी जरूरत की दवाइयाँ हैं दुकान के आगे, यदि वो डिस्प्ले करें तो ऐसा कुछ आप कार्रवाई? हाँ, ऐसा हम लोग करवा रहे हैं कि सब अपना अपना जो ये सब है, ये सब कीमत आगे लिख करके साठ देगा। कच्चा चिट्ठा यहाँ पर जो दिया जा रहा है दवाई लेने के बाद, वो सर क्या? कच्चा चिट्ठा को भी सीज कर लिया गया है और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर भी। औषधि निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिन्हा।